की कुछ लव स्टोरीज ने इतिहास रचा है और सारी परेशानियों को पार करने के बाद उन दोनों ने एक दूसरे का होकर दिखाया है। फिर चाहे वो हेमा मालिनी और धर्मेंद्र हो या फिर श्रीदेवी और बोनी कपूर। वैसे बोनी कपूर और श्रीदेवी का प्यार भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था, जिसमें हर वो मसाला है जो किसी कहानी को हिट कर सकता है, जैसे प्यार, सेक्स, धोखा और फाइट। जी हाँ, फाइट, जो कि श्रीदेवी और अर्जुन कपूर की नानी के बीच हुई थी, जिसमें अर्जुन कपूर की नानी ने श्रीदेवी को सबके सामने बहुत मारा था। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दोनों की लव स्टोरी शुरू होने से पहले श्रीदेवी और मिथुन चक्रवर्ती की प्यार की दास्तां परवान चढ़ी हुई थी, लेकिन वक्त के साथ साथ सब कुछ खत्म होता गया। फिर बोनी और मिथुन एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे, इसलिए श्रीदेवी भी बोनी को अच्छे से जानती थी। दोनों एक दूसरे से काफी घुल मिल चुके थे। मिथुन से ब्रेकअप के बाद श्रीदेवी अक्सर बोनी कपूर के साथ टाइम स्पेंड करती थी और उन्हें अपना हाले दिल बयां करती थी। इसके चलते दोनों एक दूसरे के काफी करीब भी आ गए। इस बीच दोनों की अच्छी बॉन्डिंग भी हो गई। वहीं अब बोनी उन्हें हर तरफ से प्रोटेक्ट करने लगे। इस बीच श्रीदेवी और उनकी माँ पर काफी कर्जा हो गया था, जिसको लेकर बोनी ने उनकी मदद भी की। बोनी श्रीदेवी की इतनी मदद कर रहे थे, यह देख वह बोनी से काफी इम्प्रेस हुई। वहीं श्रीदेवी की माँ की तबीयत खराब होने के कारण उन्हें अमेरिका ले जाया गया। इस दौरान बोनी भी अपनी दोस्त की मदद करने और मुश्किल पलों में दोस्ती निभाने के लिए अमेरिका पहुँच गए। इसी दौरान श्रीदेवी की माँ का निधन हो गया। वहीं बोनी और श्रीदेवी की नजदीकियाँ बढ़ने के चलते दोनों सुर्खियों में रहने लगे। इस बीच श्रीदेवी की प्रेगनेंसी की खबर भी आने लगी। इस बारे में बोनी के परिवार को भी पता चल चुका था। बोनी की पत्नी मोना कपूर इस दौरान बड़ी नाराज थी। बोनी के एक फैमिली फंक्शन में श्रीदेवी भी मौजूद थी। इस फंक्शन में श्रीदेवी के साथ काफी बदसलूकी की गई। इस पार्टी में मोना कपूर की मां शक्ति शौरी ने प्रेग्नेंट श्रीदेवी को खूब पीटा। उन पर लात और भूसे बरसाए गए। जब ये तमाशा हो रहा था तो इस पार्टी में अनिल कपूर, सुनीता कपूर सभी मौजूद थे, लेकिन इस दौरान श्रीदेवी को बचाने कोई नहीं आया। तभी अर्चना पूरन सिंह ने श्रीदेवी को पिटने से बचाया। इसके बाद श्रीदेवी को अस्पताल लेकर जाया गया। वहीं बोनी ने इस घटना के बाद अपने प्यार का साथ दिया और इस बीच एक बहुत बड़ा फैसला करने की ठान ली। बोनी ने श्रीदेवी को अपनाने का मन बना लिया और सबके सामने उनसे शादी करने का फैसला ले लिया। आखिरकार 1996 में बोनी कपूर और श्रीदेवी दोनों ने शादी कर ली। तो इस तरह अर्जुन की नानी की बदसलूकी की वजह से उनकी बेटी का घर टूट गया और श्रीदेवी और बोनी हमेशा के लिए एक हो गए। बॉलीवुड अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें।